बिल्कुल ऑफशोर कंपनीज हैं जी, पनामा पेपर्स में जिक्र तक नहीं। दूध का दूध पानी का पानी हो, ये बेटे बाहर बैठे हैं, क्यों ग्रीन पासपोर्ट है उनके पास? ठीक है, वो पाकिस्तान को नहीं मानते, आपको तब दूसरों की करप्शन याद आती है जब वो आपकी निशानदेही करते हैं। ये डेमोक्रेसी खोखली हो जाएगी और हो गई है, लोगों को ट्रस्ट नहीं है इस डेमोक्रेसी में। तो पंजाबी में कहते हैं मिशना, किसी को पता नहीं लगना दिया कि अपनी भी ऑफशोर कंपनी है, कहते रहे कि मेरा पनामा में नाम नहीं है। यार ऑफशोर कंपनी जहां की भी ऑफशोर कंपनी है, जेड़े लाहौर बैठे पिशौर भी बैठे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। पाकिस्तान हो या पाकिस्तानी कौम हो, दोनों को मुतअद्दिद किस्म के सियासी मसाइल या सियासी बहरानों का सामना है। सिर्फ सियासी मसाइल या सियासी बहरानों पर आज हम बात नहीं करेंगे, बल्कि कुछ और भी मसाइल हैं जो पाकिस्तान को या पाकिस्तानी कौम को दरपेश हैं, जो एक आम शहरी को, पाकिस्तान के एक कमजोर नातवा शहरी को, जो शायद हुक्मरान नहीं बन सकता, जो शायद अशराफिया में शामिल नहीं हो सकता, उसके क्या मसाइल हैं, उन पे भी बात करेंगे। और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मैं इनको सिर्फ हमेशा जब भी मेरे प्रोग्राम की जरूरत बने, इनको सिर्फ मैंने सीनियर सहाफी या एक ऑनरेबल सीनियर तज्जिया निगार के तौर पर मुतारफ नहीं करवाया, बल्कि मैं हमेशा इनको एक दानिश्वर के तौर पर देखता रहूं और एक दानिश्वर के तौर पर इनका तारुफ करवाता रहूं। मेरे साथ मौजूद है हसन निसार साहब। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त का। सबसे पहले जरा सियासत से और पनामा के मामला से अगर आगाज करें तो एक बुनियादी सवाल जो 3 अप्रैल से लेकर आज तक जितनी भी डेवलपमेंट हुई इस सारे सिनेरियो में, उसमें एक बुनियादी सवाल है जो बार बार जहन में उठता है, वो सवाल मैं करना चाहूंगा हसन निसार साहब से। लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने 5 अप्रैल को कौम से खिताब करते हुए एक बात कही थी, अपने उनके साथ क्या क्या बीता गुज़श्ता 40-50 सालों के अंदर उनके खानदान के कारोबार के हवाले से, वो जरा सुनिए और उस पर फिर बात करते हैं। 1971 को मशरकी पाकिस्तान में कायम इत्तेफाक फाउंड्रीज सकूते ढाका की नजर हो गई। जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत ने लाहौर में जो हमारी इत्तेफाक फाउंड्रीज थी उस पर भी कब्जा कर लिया। हमारे बुजुर्गों की मेहनत, सरमायाकारी और जमा पूंजी एक लम्हे में खत्म कर दी गई। 1989 में हमारी फैक्ट्री का खाम माल लाने वाले बहरी जहाज को 1 साल तक सामान उतारने की इजाजत नहीं दी गई। हमें 50 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पीपल्स पार्टी के दूसरे दौर में भी इत्तेफाक फाउंड्रीज की चिमनियां ठंडी कर दी गईं। और फिर 1999 का दौर आया, हमारे कारोबार को एक बार फिर तबाह कर दिया गया मुकम्मल तौर पे, और हमारे कारोबार को बिल्कुल स्ट्रैंगुलेट कर दिया गया, रोक दिया गया, ताले लगा दिए गए फैक्ट्रियों को। राइट हसन साहब, फैक्ट्रियों को ताले लग गए, चिमनियां ठंडी पड़ गईं, कारोबार ठहर गया, रुक गया, तबाह हो गया। ये सारा कुछ देखने के बाद होना तो ये चाहिए था कि फिर शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ साहब हो या बाकी फैमिली, वो रायवन पैलेस में ना ठहर रही होती, बल्कि लाहौर में कोई 5 मरले का, कोई 250 या 300 गज का घर होता, उसमें ये ठहर रहे होते। बड़ी बड़ी कीमती करोड़ों रुपए की महंगी गाड़ियां ना होती, बल्कि कोई 800 सीसी की या 1000 सीसी की कोई 95-96 मॉडल की कोई कार होती। उसके अलावा जो बाकी तर्ज जिंदगी, इलाज के लिए बाहर जाना तो बहुत दूर की बात, लाहौर के किसी प्राइवेट अस्पताल से भी इलाज अफोर्ड ना होता। ये एक बात है कि जब हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं वो कुछ और कह रहा है, और कारोबार का अहवाल खुद मियां साहब की जबानी आपने सुना। देखें, इसमें जो बात आपने की है, अगर कोई बदअक्ल ना हो और बेअक्ल और बेजमीर ना हो तो उसके जहन में ये सवाल उठेंगे। लेकिन हम एक बात फर्ज कर लेते हैं कि ये बहुत मेहनती और बहुत खुशकिस्मत खानदान है, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस जो आपने कहा। हालांकि कॉमन सेंस जहां होगी वहां ये कॉमन से सवाल हैं उठेंगे जो आपने उठाए, लेकिन ये एक इंतहाई बेसलेस, बेमानी, बोधी, बोगस
तकरीर और लॉजिक है। मसलन अंग्रेजी का एक मुहावरा है, अगर इन्हें आती हो, व्हेन इट हैपेंस टू ऑल इट हैपेंस टू नन। हिरोशिमा नागासाकी पे जब एटम बॉम्ब गिरता है, टाउन आ गया, वायरस फैल गया, पूरी की पूरी आबादी साफ हो गई। होता रहा है तारीख में, सही, जब बीमारियों के इलाज नहीं थे। तो उसके पस मंजर में विजडम ने एक चीज इवॉल्व की कि व्हेन इट हैपेंस टू ऑल इट हैपेंस टू नन, उसका कोई मतलब नहीं होता। सुधा तो ये अकेले इनके साथ हुआ, फॉल ऑफ ढाका तो सबके लिए, फॉल आउट तो पूरी कौम के लिए हुआ। ये क्या रोना लेके बैठ जाते हैं, इनके पास सवालों के जवाब नहीं है। अब आए दूसरी तरफ नेशनलाइजेशन, वो भाई तुम्हें टारगेट किया था, सी क्लास किस्म की इंडस्ट्रीज जो हैं वो टेक ओवर कर ली गई थी, जिसमें जेनिक फैक्ट्रीज, हमारा पूरा खानदान एंटी भुट्टो इस चक्कर में हुआ कि वो अब सी क्लास किस्म की भी वो इंडस्ट्री नहीं होती, फ्लोर मिल, आटे की मिल जिसे कहते हैं, ये कोई इंडस्ट्रियों में से इंडस्ट्री थोड़ी है, वो भी नहीं भुट्टो ने छोड़ी। वो तो एक पागलपन था, दुनिया दो हिस्सों में तकसीम थी, एक में ये फैशन बहुत मकबूल था, वो था नेशनलाइजेशन का। सो भुट्टो के जराइम में एक जुर्म नेशनलाइजेशन का डेफिनेटली है, बट ये तो ना 3 में ना 13 में, ये कोई दाऊद से, कोई सैगल से, वलीका से, भुट्टो के अयूब खान के जमाने से एक बात चली आ रही थी, 22 घराने। सर वो कथा गलामी तो, की माजत, वो तो कहते हैं कि 1935 से हमारा कारोबार था और मुल्क की सबसे बड़ी स्टील मिल थी। भाई सुन ले ना, मैं तो आपको वो तारीखी बात बता रहा हूँ ना पूरी, कि इनका कोई दूर दूर तक वजूद नहीं था। ये बी क्लास किस्म के उस कारोबार के, उसमें बी क्लास में इंसान नहीं कह रहा, बी क्लास किस्म के कारोबारी थे, माइनस बी कह लें, बल्कि बी क्लास भी बेशुमार इनसे बहुत बड़े होंगे। जोनाथन जिसकी बात की है जहाज की, उसके बारे में जबान जदयान था इस मुल्क में कि स्क्रैप कह के उसके अंदर प्लांट आया था। तो ये इस तरह के किस्से कहानियां। अच्छा अब लेट्स अज्यूम कि ये सारा कुछ ठीक है। ओ भाई सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हसन साहब आपने मेरी जेब काटी है और माल मसरूका ये पड़ा है, तो मैं आपको कहूं कि मैं सन 1972 में बीमार हुआ था, मुझे बड़े टीके लगे थे, ये क्या जवाब है? ओ भाई नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दीज, ये अलमिया तरबिया कहानियों में दिलचस्पी नहीं है। कौन परेशान है, एक टेंशन है, बच्चे बच्चे की जुबान पे, ये जितने अब 7 थे अब 70 हो गए हैं, वो 170 हो जाए भाई, उनमें से जो रेलेवेंट क्वेश्चन उनके जवाब दे दें। ये कहानी हम बड़े औलुल अज़्म थे, हम फलां थे, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान की सारी बरकतें आज से 35 साल पहले इकट्ठी होके जमा होके वो एक घराने में नहीं घुसी। इनके बाकी जितने भाई हैं, कजन्स हैं, मियां शरीफ मरहूम, उनके जितने बाकी भाई हैं उनके बच्चे भी माशाल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेल, आई नो अ फ्यू ऑफ देम, वो ठीक ठाक हैं, लेकिन इनका और उनका मुकाबला ही कोई नहीं। कमाल की बात है, उन्होंने सवाए कारोबार के किया कुछ नहीं, इन्होंने सवाए सियासत के किया कुछ नहीं। अच्छा सर एक जिम्नी सवाल, ये इतनी कहानियां सुनाते हैं, ये एक जिम्नी सवाल सर कि अगर ये भी पहले ये पॉलिटिक्स में आ गए थे जी, नहीं अगर मेरी गुजारिश सुन ले पहले जी सर, ये 80 से भी पहले तहरीक इस्तकलाल वगैरह में आ गए थे, उस वक्त इनकी उम्र क्या होगी? सही 30 साल की उम्र में इन्होंने कौन सी तोपें चलाई होंगी? बाकी खानदान की ग्रोथ नेचुरल है, जितनी किसी कारोबारी की, किसी मेहनती कारोबारी की जो नेचुरल ग्रोथ होती है, वो आलम चन्ना नहीं बन जाते, वो एक्सेप्शन होती है, उसमें गड़बड़ होती है कोई। तो टैक्स तो फिर नेचुरली ग्रोथ के मुताबिक हो रहा है ना सर, हाइट का मतलब है बंदा अब नॉर्मल है। सर टैक्स जो दिया मियां साहब ने 23 साल में को 3 करोड़ कुछ लाख रुपए, 23 साल का टैक्स है मियां साहब का, तो ये नेचुरल ग्रोथ के मुताबिक तो ठीक लग रहा है, पर इसमें लोगों को क्या मसला है? यार मैं बाकी वेल्थ की बात कर रहा हूं ना जी, जो इनकी जायदादें आज तक जो सामने आ गई हैं, जो ट्रेस हो गई हैं,
उनका और इनके बाकी मामलात का तो आपस में कोई तनासुब बनता ही नहीं। सही। ये बिल्कुल इसी तरह है कि किसी का 10 लाख का प्राइज बॉन्ड निकले और उसके पास 10 अरब रुपया पाया जाए, ये इस तरह की बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि चलें इसको भी छोड़ देते हैं, हम गलत कह रहे हैं, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, मैं गलत जवाब दे रहा हूं, इसको साइड पे कर दें। भाई स्पेसिफिक सवाल हैं जो अपोजिशन कर रही है, उसके स्पेसिफिक जवाब दे दें, किस्सा कहानी नहीं, आए बाएं शाएं नहीं, सवाल गंदम जवाब चना नहीं, सारी रात रोंदी रही मरिया कोई भी नहीं, मतलब इस तरह की कहानी नहीं। लेट्स बी स्पेसिफिक। और ये बेवकूफी कर रहे हैं ऑपोजिशन, या जानबूझ के कर रही है माइनस इमरान खान, या वो चक्कर चला रहे हैं, या किसी वारदात में हैं। गुफ्तगू की जरूरत नहीं, गुफ्तगू में इधर उधर जाने का, तकरीरबाजी में इधर उधर जाने का, घूमने घुमाने का बहुत चांस होता है। सही। बता जो चाहे इधर उधर की कहानी इधर की शुरू कर दे उधर नहीं। जैसे इम्तिहानी पर्चा नहीं होता, बिल्कुल इस तरह करें, लिख के सवाल इन्हें देकर कहें जी कोई गुफ्तगू नहीं। राइट सर, एक ब्रेक के जवाब दे दें, एक ब्रेक पे जाना, जो लिखा हुआ जवाब आए कौम के सामने रख दें और जो इररेलेवेंट लाइन है वो काट। ब्रेक से पहले मैं आपके कुछ कॉलमों का हवाला, सवाल का ये जवाब बनता है। राइट, मैं आपके कॉलमों का हवाला देना चाहूंगा ब्रेक से पहले। आपने कुछ अरसा पहले कॉलमों की एक सीरीज लिखी थी करप्शन कहानी के उन्वान से, चार पांच किस्तें थी उसकी, उसमें आपने रेमंड बेकर तो अपनी किताब में बहुत कुछ लिखा, जिसमें उसने फिर बाद में स्टार ने भी उसका हवाला दिया, नेस्कोल का, नीलसन का, शैमरॉक का, फिर शैंडन जर्सी प्राइवेट लिमिटेड का आपने भी अपने कॉलम्स में हवाला दिया। ये सारी बातें तो होती रही हैं हसन निसार साहब, कोई मानने को तैयार नहीं। जी जी बिल्कुल ठीक है। अब मामला कहां से कहां पहुंच गया है, मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि भाई गोरा है को पाकिस्तानी को माशरा तो है नहीं, वहां जाओ उसको सू करो कि तुम एक मुल्क के वजीर आजम के बारे में इस तरह का बहतान लगा रहे हो, बकवास कर रहे हो, उससे क्या होगा कि तुम्हारी साख जो मजरूह हुई है वो भी बेहतर हो जाएगी और दूसरे यू विल बी एबल टू मेक अनदर फ्यू मिलियंस बल्कि ज्यादा, को अरजाना करते उसमें जाए को 100 मिलियन 500 मिलियन 1000 मिलियन पाउंड्स का या डॉलर्स का, लेकिन नहीं इनके कानों पे जू नहीं रहेंगी जैसे अब। सही। अब भी सवालों के जवाब, मैं कहता हूं इनकी सारी कहानियां दुरुस्त हैं, ये रऊसाए आजम थे वो भी ठीक है, ये बड़े मेहनती लोग हैं बिल्कुल ठीक है, इन्होंने कोई बेईमानी नहीं की बिल्कुल ठीक है, इन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की बिल्कुल ठीक है। भाई सवालों के जवाब दे दो, जिनके सबूत खरबों की प्रॉपर्टीज की शक्ल में बाहर खड़े हैं, आज तक इन्होंने ये नहीं बताया कि वहां पैसा कितना है, यानी कितनी मजे का खेस बात है। अब किस्सा कहानी सुना रहे थे एक, पता नहीं ये क्या तकरीर थी, दुबई में हो गया, फिर जद्दे, भाई दुबई और जद्दे के लिए पैसा कहां से आया? सही। उस वक्त पाकिस्तान स्टेट बैंक के रूल्स क्या थे मुझे नहीं पता, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स क्या थे, दुबई में आपने काम कारोबार कैसे शुरू किया और दुबई के लिए सऊदी अरेबिया के लिए आप पैसा कैसे लेके गए, ये बेसिक सवाल है भाई। लेकिन प्रॉब्लम ये है जवाब हो, आप सादा तरीन सवाल मुझसे पूछे, अगर मेरे पास जवाब ही नहीं है तो मैं क्या जवाब। बिल्कुल, एक ब्रेक आपकी इजाजत से, कन्फेशन, एक ब्रेक आपकी इजाजत से आते हैं। नवाज शरीफ साहब के जलसे भी जा रही हैं, इमरान खान साहब के जलसे जा रही हैं, दोनों एक दूसरे, इमरान खान साहब तो खुल के तनकीद कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जलसे के आगाज में कहते हैं कि जी मैं कोई सियासी तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन उनकी तकरीर का जो महवर है वो भी इमरान खान साहब होते हैं। एक ब्रेक पे वापस आ रहा हूं। ब्रेक के बाद वेलकम एक बार फिर, खुशामदेद हसन निसार साहब ऑनरेबल हमारे साथ मौजूद है। पूरी दुनिया में सादगी की मिसालें जो हैं वो रकम की जा रही हैं, मजीद गवर्नेंस को, हुक्मरानी को और आसान करने की, सादा करने की कोशिश की जा रही है ताकि तायुशात कम हो सके। आपको मैक्सिकन एम्बेसडर है इंडिया में, उनका अगर आपको दिखाएं तो उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने अपने लिए एक रिक्शा तैयार करवाया है और वो ये समझती है कि चूंकि आलूदगी बहुत ज्यादा है भारत के अंदर और मैं सफीर हूं मैक्सिको की, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ये होना चाहिए कि मैं रिक्शे पर सफर करूं, और ये शायद दुनिया की पहली अपनी नौयत की सफीर होगी कि जिन्होंने रिक्शा, एक सफीर ने जो एक पूरे मुल्क को
रिप्रेजेंट कर रहा होता है उन्होंने अपने लिए मुंतखब किया। ये रिक्शा आप देख भी रहे हैं। दूसरी तरफ सूरत हाल जो पाकिस्तान के अंदर है वो ये है कि जलसों के ऊपर किस तरह से पैसा खर्च किया जा रहा है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और वहां पे जो हमें वीआईपी कल्चर नजर आता है। आज गिलगित बल्तिस्तान नवाज शरीफ साहब पहुंचे, तजारती मराकज बंद हो गए, तालीमी अदारे जो हैं वो बंद हो गए, वहां पे सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई, शहरी जो है वो रास्ता तलाश करते रहे। ये एक शहरी की गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। एम्बुलेंसेज आके रस्ते में फंसी हुई हैं, लोग दर बदर हैं, हॉस्पिटल जाने नहीं दे रहे। राइट जी, ये आपने सुना। इसी तरह से जब हजारा गए नवाज शरीफ साहब तो हजारा यूनिवर्सिटी जो है उस वो बंद हो गई। फिर बन्नू का दौरा किया तो वहां पर भी तालीमी इदारों की बंदिश की खबरें आई। हसन निसार साहब, ये वीआईपी कल्चर, ये शो ऑफ कल्चर जो है ये जहर है किसी भी कौम के लिए। देखें भाई, मैं बन्नू वाले जलसे के बाद मैंने लिखा था कि जहां जहां पहुंचेगी वहां स्कूल बंद होंगे। सीधा सा कॉमेंट है, जहां जहालत जाएगी जाहिर है सबसे ज्यादा मुतासर तो स्कूल होंगे, बच्चे होंगे। और दुख की बात यह है, मुझे तो हैरत है अपने आप पे भी अपने अवाम पे भी, पता नहीं क्या बेहसीतारी है। वरना बंदा चीर फाड़ के रख दे, अवाम बाहर निकल आए और पता नहीं क्या कर दे कि हमें खिलाफत राष्ट्र की कहानियां सुनाते हो, कोई हया करो लोगों। ये महज़ब दुनिया जो गैर मुस्लिम दुनिया है अनफॉर्चुनेटली वो खिलाफत राशिदा की तरफ जा रही है। जो आपने मिसाल दी है, अगर आप 1500 साल का गैप बीच में से निकाल दें तो आज कल जाहिर है किसी ने ऊंट पे तो नहीं जाना, सही। वो अपने लिए को रिक्शा ही बनाएगी। वो ये गैर मुस्लिम लेकिन महज़ब दुनिया उस तरफ जा रही है, हम उतना ही उनसे दूर हटते जा रहे हैं और उतनी ही बकवास किए जा रहे हैं। यानी वो जबाने जो उनका जिक्र करने के काबिल नहीं है, वो दिन रात। एक और प्रॉब्लम है कि वेस्ट की इलीट ने अब डिजाइनर्स ये वो छछोर पुना ये शोध पुना बंद कर दिया। वहां लोग अब ब्रांड श्रांड की परवाह नहीं करते। यहां आप देख लें जो नौ दालतियां जब घटिया उसकी यही कोशिश होगी कि मैं कोई ब्रांडेड और ये और वो, ये ट्रेंड यहां बहुत है। ये छचोरपन ऊपर से आया है। खानदानी लोग वहां जो हैं वो भरे पुरे लोग हैं। अब मैंने चंद दो ढाई तीन साल पहले मैंने वो बिल गेट्स के बारे में देर वॉज अ फोटोग्राफ ऑल्सो, येलोइश सी लग रही थी तस्वीर में, मुझे नहीं पता पोश उसके पास है 7 साल पुरानी, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं। इनको देखें आप, तो ये टोटल झूठ का कारोबार, ये बुनियादी तौर पर बाजीगर हैं। साल हा साल से मैं जनरली मैं बाबाए कौम मोहम्मद अली जिना के बाद मुझे यहां कोई ढंग का बंदा नजर नहीं आता। अगर कोई शुरू शुरू के कुछ चार लोग थे, अगर वो चोर चकार नहीं थे तो देवर तो वैसे ही वो बेचारे इनकॉम्पिटेंट थे, उनके पल्ले ही कुछ नहीं था। जिना साहब की जिंदगी में कोई ड्रामा नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई लगी लिपटी नहीं है, कोई इप्स एंड बट्स नहीं है। वो रहते भी बड़े शानो शौकत से थे, सेल्फ मेड आदमी थे। एक माशाल्लाह ये सेल्फ मेड टकरे, मैं कहता हूं सब कुछ छोड़ दें, हम जो कर रहे हैं इस वक्त रतम व याबस कर रहे हैं। असल बात ये है भाई, चंद सवाल पूछे जा रहे हैं। तुम हर जगह तो क्यादत में आगे आगे रहना चाहते हो, सबसे बड़ी पार्टी का कायद और फलाना ढमकाना जो इनके वो कड़चे मड़चे कहते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। तो भाई यहां भी क्यादत फरमाओ ना, राइट। अगर तुम कायद हो तो हर मामले में क्यादत करो। बिल्कुल सही, इधर इस कल्चर के खात्मे में भी कहते हैं तुम इलाज यहाँ कराओ और इन भूखे की तरह मरो। सर हेल्थ सेक्टर की भी, इनकी तरह खाओ, इनकी तरह रहो, इनकी तरह जियो, इनकी तरह मरो, हम ये नहीं ये कहते। लेकिन जो चंद इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनमें तो आप क्यादत फरमाए ना। सर हेल्थ सेक्टर की भी मिसाल दे दूं सर, अगर इमरान को ये घसीट रहे हैं, ये इतने बेहया हैं। इमरान की ऑफशोर कंपनी का इस किस्म की ऑफशोर, इस ऑफशोर कंपनी से कोई दूर पार का ताल्लुक नहीं। उसकी क्या उम्र होगी 82 में? ख्वाजा आसिफ ने तो मिस्मा कह दिया उनको, होल टाइम क्रिकेटर, वहां कमाया वहां रखा। अच्छा मैं कहता हूं कि ये आदमी इसको छोड़े, जो कर देंगे ये कॉमेडियंस हैं, इनका ज्यादा बेहतर मुस्तकबिल इंशाल्लाह कल कॉमेडी में होगा, स्टेज वगैरह पे काम किया करेंगे, जुकते शुकते मारा करेंगे। नहीं, मेरा देखें बेसिक सवाल है
कि भाई आप एक काम और करते हैं, दोनों को बिल्कुल एक तरह ट्रीट करो, एक ही तरह के टीओआरस हों, एक ही तरह उनके साथ सलूक हो, टाइमलाइन वही हो, नकारा कर दो। अगर दोनों मासूम हैं तो कौम जश्न मनाए कि जी हमारे दोनों लीडर बड़े पाक और साफ सुथरे निकले, सही, दोनों चोर हैं, दोनों को उल्टा लटकाओ, फांसियां दो, बिल्कुल सही, बिल्कुल अमेंडमेंट करो, राइट सर। मैं जरा के लिए सजाए मौत, सर हेल्थ सेक्टर की जरा मैं बात करना चाहूंगा, अच्छा, सर लैया की दोनों चोर हैं, दोनों को फांसी दे दो। मैं जरा सर थोड़ा थोड़ा दोनों को दे दो, अगर इनमें से कोई एक चोर है दूसरा नहीं है तो इसके गले में हार डालो, उसके गले में फंदा डाल के फर्क करो, कौम को सुकून आए। राइट सर, मैं आपको सेहत की सूरत हाल जो है वो बताना चाहूंगा। लैया में हसन निसार साहब 30 से जायद लोग जो हैं वो जहरीली मिठाई खाने से मर गया, लैया में 30 से जायद लोग, और वहां पे अस्पतालों के अंदर वो स्टेट ऑफ द आर्ट इलाज की सहूलियात ही दस्तियाब नहीं थी कि इन बिचारों को वहां पे फौरी तौर पे शफा मिल सकती। मैं नॉर्वे की सर अगर आपके सामने मिसाल रखूं हसन निसार साहब, तो नॉर्वे में सर पिछले दिनों एक शख्स जो है उसको आर्जा कल्ब में वो मुब्तला हुआ, उसको फौरी तौर पर अस्पताल ले जाएगा, लेकिन अस्पताल में ECMO मशीन जो है शायद वो दस्तियाब नहीं थी, तो अस्पताल की इंतजामिया ने नॉर्वे की फजाइया से राबता किया कि हमें फौरी तौर पर ECMO मशीन पहुंचाई जाए, और फिर F-16 तैयारा जो है हसन निसार साहब नॉर्वे का, वो 10 घंटे की मुसाफत से ECMO मशीन लेकर सिर्फ एक मरीज की जान बचाने के लिए वो पहुंचा, और सिर्फ 40 मिनट के अंदर अंदर ये सर्विस फजाइया ने अस्पताल को प्रोवाइड कर दी। एक वो मुल्क है सर और एक यहां पे के 30 लोग मर जाते हैं सिर्फ जहर जहरीली खुराक खाने से, और कोई जान बचाने का निजाम नहीं। देखें यहां बात याद आती है ना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक इंसान का की मौत पूरी इंसानियत का कत्ल, ये कत्ल वाली बात है ना जी, अगर आपकी नेग्लिजेंस की वजह से को बंदा मर जाता है तो वो तो कत्ल है, कि उसका कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अब ये मुद्दतें हुई, ये सारा फलसफा चला गया। मैं आपको बताता हूं, मैं एक दफा नॉर्वे से कील आई वॉज ट्रेवलिंग क्रूज पे, उसमें कुछ 6-7 हजार तो गाड़ियां ही थी उसमें, बाकी डिफरेंट उसकी पूरा शहर था वो, तो मैं रात को वो स्मोकिंग का वहां जरा प्रॉब्लम था तो मैं वो टॉप पे गया, उधर तो बैक पे मैंने देखा एक हेलीकॉप्टर खड़ा है। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा जो वहां के लोकल से, मैंने कहा यार ये हेलीकॉप्टर, उसने कहा जी कि हॉस्पिटल अंदर मौजूद है लेकिन अगर खुदा ना खास्ता को बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो जाए तो हेलीकॉप्टर पे डाल के अगर कील के करीब होगा, जर्मनी का शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है, उधर ले जाया जाएगा पेशेंट को, अगर अभी वो सेंटर से दूसरी तरफ होगा तो वापस नॉर्वे। वाह क्या बात, वहां ह्यूमन लाइफ की इज्जत है, यहां तो ये टोटल ड्रामा A to Z टोटल झूठ पे चल रहा है सारा काम, इसीलिए अब चल नहीं रहा, एंड इट्स अ मैटर ऑफ अनदर आई थिंक 10 ईयर्स ये बिल्कुल जैम हो जाएगा सारा कुछ, ये एक इतनी भयानक बस्ती का रूप धार जाएगा। मैं तो कहता हूं, मेरे तो आज के कॉलम में सवाल है, और खुदा का खौफ करो, तुम्हें डर क्यों नहीं आता, लेकिन इनको डर क्यों आए, इन्होंने सारा कुछ समेट के बाहर ले गए हैं, औलादे पोते पड़पोते तो इनके इनके मुल्क तो है ही कोई, और इन्हें इस बात का खौफ कैसे आएगा कि 10 साल बाद इस मुल्क की तुमसे 20 करोड़ मैनेज नहीं हो रहा, और 10 साल बाद ये कितना होगा, फिर लॉ एंड ऑर्डर कैसा होगा, हाउसिंग का हाल क्या होगा, एजुकेशन का हाल क्या होगा, वो दूर रह सोच क्या होंगी, लॉन्ग साइटेडनेस शहर के अंदर, फार साइटेडनेस, सबसॉइल वाटर में 4-6% आर्सेनिक बढ़ रहा है हर साल, ये सरकारी रिपोर्ट है, ये लाहौर शहर की बात कर रहा हूं मैं, कहीं और की नहीं, राइट। सो इट इज वेरी इजी टू विजुअलाइज के 10 आफ्टर 10-15 ईयर इस मुल्क का हाल क्या होगा, ये तब माशाल्लाह इनका तो इश्यू ही कोई नहीं। राइट सर, एक ब्रेक सर, एक ब्रेक, ब्रेक वापस आते हैं। ऑनरेबल मुल्क के मुस्तकबिल पे एतमाद नहीं है। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद है, वो आर्सेनिक की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद जो दारुल हुकूमत है उसमें साफ पानी की शॉर्टेज हो रही है, नहीं हम अपने छोटे से दारुल हुकूमत को भी प्रोवाइड नहीं कर सकते पानी जो है साफ पानी। अभी मैं आपको एक तरफ लैया की सूरत हाल है आप देख रहे हैं, मैं अगर आपको एक मार्स एक कंपनी है चॉकलेट बनाने वाली, व्यूअर्स ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्स,
इसके हजम का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि इसमें 16,000 मुलाजमीन काम करते हैं, 35 अरब डॉलर इसकी सालाना आमदनी है और 29 किस्म की चॉकलेट बनाती है ये कंपनी। इतनी बड़ी कंपनी को भी कानून के सामने किस तरह से सरनेगू होना पड़ता है। इसकी कुछ चॉकलेट्स में प्लास्टिक के कुछ जर्रात निकल आए और मार्स को 55 ममालिक में से अपनी चॉकलेट जो है वो वापस मंगवाना पड़ी, 55 ममालिक में से, उसमें कुछ प्लास्टिक के जर्रात थे। यहां पे खाने के अंदर जहर हो, पानी के अंदर जहर हो, लेकिन कोई दूरदर्श पॉलिसी हमें नजर नहीं आ रही है। एक ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम आजम निसार साहब। 2016 की एक रिपोर्ट सामने आई है पासपोर्ट्स के हवाले से, यानी दुनिया का बेहतरीन पासपोर्ट कौन सा है। पासपोर्ट इंडेक्स एक रैंकिंग करता है, वो मेरे सामने है। दुनिया के 199 ममालिक में से पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो 198वें नंबर पर है। हमसे नीचे सिर्फ अफगानिस्तान है, हत्ता के इराक, सोमालिया, इथोपिया और सूडान जो है वो भी हमसे बेहतर है। फिर टेलीग्राफ एक बरतानवी अखबार है, उसकी भी एक रैंकिंग है, उसमें जो है वो पाकिस्तान 104 ममालिक में से 103 नंबर पर है, यानी सिर्फ हमसे नीचे अफगानिस्तान है। सोमालिया, शाम और लीबिया जो है वो भी हमसे बेहतर है। फिर हैनले एंड पार्टनर्स की एक रैंकिंग सामने आई है, उसने भी 104 ममालिक में से पाकिस्तान को 103 नंबर पर रखा है और रवांडा, यमन, चाड, मोजम्बीक और कांगो जो है वो भी हमसे आगे है। ये रैंकिंग पूरी दुनिया देख रही है, कहां खड़ा है पाकिस्तान हसन निसार साहब? नहीं, पहले तो मैं आपको आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने आदाद शुमार बड़े रेलेवेंट, ये जिनके जमीर जिंदा हों, जिनके जहन सोचने के काबिल हों, ये उनके लिए चार जुमले ये जो रैंकिंग आपने बताई है, खुद मेरे लिए, मैं जानता हूं ये बहुत ही बदतरीन सूरत हाल से दो चार मुल्क है, लेकिन आपके चार फिगर्स ने ना एक दफा मुझे भी हिला के रख दिया है। देखिए वजह ये है, वजह है हुक्मरान, कोई और रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो महजब दुनिया है या मुतमवल दुनिया है या मुतवाजन दुनिया है या मुनसफाना मुआशरे हैं, वहां के लोगों को कोई अल्लाह पाक ने तीन तीन टांगे दी हैं, उनकी खोपड़ियों में दो मगज होते हैं, हमारा एक रह गया है, उनकी एक आंख पीछे होती है, बाजू तीन होते हैं, उनकी दुमे होती हैं, ऐसा नहीं है। इंसान ह्यूमन मटीरियल भी बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप एक पौधा है, उसकी आप निगहदाश्त करते हैं, उसका सारा उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, उसको इरिगेट प्रॉपरली करते हैं, उसकी गोडी करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसकी नशो नुमा और होगी, उसकी ग्रीनरी देख के बंदा अशज कर उठेगा। उसी के साथ का दूसरा दरख्त है, उसकी जड़ों में आप तेजाब डाल रहे हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ों में जिसके माली तेजाब डाल रहे हैं, वो सूखता जा रहा है, वो जो है वो शजरे सायादार वो बनते जा रहे हैं। झूठ, देखें बात सुने, मैं जाली प्रोजेक्ट्स की इन्होंने इतवार बाजार खोला हुआ है, क्यों? एक तरफ लोगों को मिसमराइज कर रहे हैं, जिनको जानबूझ के हमारी रूलिंग एलीट ने, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, रखा है ताकि इनको बेवकूफ बनाना आसान हो। अदरवाइज अगर ये लोगों को एजुकेशन दें तो इनको कौन से मरोड़ उठते हैं? नहीं, शऊर आ जाता है, पता लग जाता है ये चोर है, ये जुल्म कर रहा है हमारे साथ, ये ज्यादती कर रहा है, ये आसमान से उतरा हुआ, ये कोई देवता नहीं है, ये कोई देवी नहीं है, इसकी पूजा नहीं करनी, इसका गिरेबान पकड़ना, ये हमारा नौकरे आला है। इसीलिए इन्होंने लोगों को जाहिल रखा है 70 साल से, ये जो बेड़ा घर कर। अब जाली प्रोजेक्ट है क्यों? एक तरफ तो लोगों को मस्मराइज हिप्नोटाइज कर रहे हैं कि बहुत अनी तोपें चल रही, दूसरी तरफ खुदा ना खास्ता, मैं नहीं कह रहा, खुदा ना खास्ता लोग कहें, मेरी तो दुआएं हैं, इस लांती जमहूरियत से जान छुटे कम से कम 15 to 20 years। कल अगर कुछ हो जाए तो फिर ये लोगों के पास जाके मिनमिन करते फिरें, ये मीसने खाजे आसनब को क्या पता मीसना क्या होता है, ये वहां जाके लोगों को बताते फिरें कि देखा हमने तो 1500 प्रोजेक्ट के फीते काटे थे, राइट सर, स्कूल भी रोके थे, सड़कें भी रोकी थी, लोगों को दलील भी किया था sir. और ये लोगों की बेहतरी के लिए किया था। अब चूंकि अच्छा, दूसरी बात, ये तरक्की तरक्की का विरुद्ध बड़ा एनर्जी है, ये बड़े चालाक लोग हैं, बहुत चालाक लोग हैं, मैं इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करूं, कोचल,
क्योंकि बहुत नीचे से ऊपर, बहुत नीचे से बहुत ऊपर आ गए, तो इन जैसा है कोई नहीं, इनको आउटविच करना बहुत मुश्किल है और वो मोदी से कम नहीं होगा सर। तरक्की 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 और मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में ये कि ना अपना सरमाया, ना अपनी औलाद, ना जायदाद, ये इनका उसकी वजह है कि इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कन्वर्शन के इस मुल्क के मुस्तकबिल के आगे सवालिया निशान है। चूंकि ये मुझसे और आपसे बेहतर जानते हैं कि मुल्क किन हालात में है और किन हालात तक पहुंचाएगा। राइट सर, सर खत्म हो रहा है। असल साहब आपने तरक्की की बात की, मैं इंसानी तरक्की यानी इंसानी वकार इस मुल्क में कितना है उस पर जरा आपकी राय दानिश मंदाना 30 सेकंड में। नौशहरो फिरोज में एक तकलीफ दह वाक्य पेश आया कि जहां एक मेहनत कश की गदा गाड़ी एक जागीरदार और वडेरे की गाड़ी से टकरा गई, गदा गाड़ी वडेरे की गाड़ी से टकराई, जिरगे ने फैसला यह दिया कि यह मेहनत कश अपने मुंह में जूता, अपने दांतों में जूता थाम के और वो माफी मांगे। यह है इंसानी तरक्की और इंसानी वकार सर। इससे भी बदतर है जो बच्चियों के साथ होता है, जो ये नाम निहाद पंचायतें और जिरगे जो फैसले देते हैं, या तौहीने तौहीन और तजलील इंसानियत की, वही तो पहचान है इस मुल्क की। अभी तो आप बता रहे थे कि आउट ऑफ 199 कंट्रीज माशाल्लाह 198 नंबर है पाकिस्तान का, तो इन्हीं करतूतों की वजह से आपका पासपोर्ट जो है उसकी यह हैसियत है। राइट सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब। व्यूअर्स, पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी सरकार, वो पाकिस्तान के सियासी मामलात में इस हद तक उलझ चुकी है कि वो बहुत सारे अहम और हसास मामलात जो है वो उसकी नजरों से ओझल हो रहे हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा मसला वो भारत की आबी जारहियत या आबी दहशतगर्दी का मसला है। नरेंद्र मोदी ने अभी एक बयान में कहा कि वो चिनाब के पानी का बहाव जो है वो तब्दील कर देगा पाकिस्तानी दरियाओं और उसके मुआविन दरियाओं पर। इंडिया ने शुरू में ही पानी के बहाव में मदाखलत करना शुरू कर दी थी और उस पर डैम और नहरें बनाना शुरू कर दी थी। दरिया चिनाब पर सबसे पहला प्रोजेक्ट सिलाल डैम जो कि 1978 में इंडिया ने बनाने की कोशिश की। इंडिया ने मकबूजा कश्मीर के डूडा डिस्ट्रिक्ट में दरिया चिनाब के ऊपर बगलियार डैम बनाया जो कि सरियन खिलाफ वर्जी थी सिंध तास वायदे की। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से राबता किया उसके बाद और डैम जो है उसे गैर कानूनी करार दिया गया, लेकिन इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के फैसले को नहीं माना या नाफिज नहीं किया। 1948 में इंडिया ने वूलर बैराज मकबूजा कश्मीर में दरिया जेहलम के ऊपर बनाने की कोशिश की। इसी तरह से किशन गंगा डैम जो है वो दरिया जेहलम बंदीपुर मकबूजा कश्मीर पर बना, जिसकी वजह से दरिया जेहलम का पानी जो है उसका बहाव मुतासर हुआ और बहुत सारा इलाका जो है वो बंजर हो गया। 2008 में इंडिया ने दरिया चिनाब का पानी उसका बहाव कम कर दिया जिसकी वजह से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा। इंडिया अफगानिस्तान के साथ मिलकर काबुल में डैम बना रहा है जिसका मकसद दरियाए काबुल के पानी के बहाव को मुतासर करना है। फिर 2004 में दरियाए चिनाब में इंडिया ने अचानक पानी छोड़ दिया बगैर किसी वार्निंग के, जिसकी वजह से पाकिस्तानी हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें जेरे आब आई। पाकिस्तान की मईशत जो ज़राअत पर मबनी है जिसमें से 18 मिलियन एकड़ रकबा जो है वो नहरी पानी पर मुनहसर है और ये भारत की आबी दहशतगर्दी से मुतासर हो रहा है। जिस्पा डैम जो है जिसकी तामीर भारत तेजी से कर रहा है, उसका अगर मैं आपको बताऊं तो मार्च 2012 में इस बात का इंकशाफ हुआ था कि भारत ने हिमाचल प्रदेश सूबे में दरिया चिनाब को दरिया ब्यास से मिलाने का मंसूबा जो है वो तैयार किया है। भारत ने शमाली और मगरबी दरियाओं को मिलाने के लिए रिवर लिंक का मंसूबा जो है वो तैयार किया। भारतीय हुकूमत ने फरवरी 2012 में इस मंसूबे की बाकायदा मंजूरी दी थी। मंसूबे की तकमील के लिए दरिया चिनाब पर बरसर और जिस्पा नाम से दो डैम जो है वो भी जेरे तामीर है। बरसर और जिस्पा डैम में मजमूई तौर पर 34 लाख एकड़ फुट पानी जो है वो जखीरा होगा और दरिया चिनाब से 50% पानी का बहाव जो है वो कम हो जाएगा। ये आबी जारहियत, आबी दहशतगर्दी, इस पर भी रियासत को आज सर नौ या बहुत जल्दी गौर करना पड़ेगा। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज, देखते रहिएगा जायजा। बिल्कुल ऑफशोर कंपनीज हैं जी, पनामा पेपर्स में जिक्र तक नहीं। दूध का दूध पानी का पानी हो, जो बेटे बाहर बैठे हैं, क्यों ग्रीन पासपोर्ट है उनके पास? ठीक है, वो पाकिस्तान को नहीं मानती। आपको तब दूसरों की करप्शन याद आती है जब वो आपकी निशानदेही करते हैं। ये डेमोक्रेसी खोखली हो जाएगी और हो गई है। लोगों को ट्रस्ट नहीं है इस डेमोक्रेसी में।
वो पंजाबी में कहते हैं मिशना किसी को पता नहीं लगना दिया कि अपनी भी ऑफशोर कंपनी है। कहते रहे कि मेरा पनामा में नाम नहीं है। यार ऑफशोर कंपनी जहां की भी ऑफशोर कंपनी है, जेड़े लाहौर भैड़े और पिशौर भी भैड़े। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। पाकिस्तान हो या पाकिस्तानी कौम हो, दोनों को मुतअद्दिद किस्म के सियासी मसाइल या सियासी बहरानों का सामना है। सिर्फ सियासी मसाइल या सियासी बहरानों पर आज हम बात नहीं करेंगे, बल्कि कुछ और भी मसाइल हैं जो पाकिस्तान को या पाकिस्तानी कौम को दरपेश हैं, जो एक आम शहरी को, पाकिस्तान के एक कमजोर नातवां शहरी को, जो शायद हुक्मरान नहीं बन सकता, जो शायद अशराफिया में शामिल नहीं हो सकता, उसके क्या मसाइल हैं, उन पे भी बात करेंगे। और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मैं इनको सिर्फ, हमेशा जब भी मेरे प्रोग्राम की जरूरत बने, इनको सिर्फ मैंने सीनियर सहाफी या एक ऑनरेबल सीनियर तज्जिया निगार के तौर पर मुतारिफ नहीं करवाया, बल्कि मैं हमेशा इनको एक दानिशवर के तौर पर देखता रहूं और एक दानिशवर के तौर पर इनका तारुफ करवाता रहूं। मेरे साथ मौजूद है हसन निसार साहब। सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। सबसे पहले जरा सियासत से और पनामा के मामला से अगर आगाज करें, तो एक बुनियादी सवाल जो 3 अप्रैल से लेकर आज तक जितनी भी डेवलपमेंट हुई इस सारे सिनेरियो में, उसमें एक बुनियादी सवाल है जो बार बार जहन में उठता है, वो सवाल मैं करना चाहूंगा हसन निसार साहब से। लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने 5 अप्रैल को कौम से खिताब करते हुए एक बात कही थी, अपने उनके साथ क्या क्या बीता गुज़श्ता 40-50 सालों के अंदर उनके खानदान के कारोबार के हवाले से, वो जरा सुनिए और उस पर फिर बात करते हैं। 1971 को मशरकी पाकिस्तान में कायम इत्तेफाक फाउंड्रीज सकूते ढाका की नजर हो गई। जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत ने लाहौर में जो हमारी इत्तेफाक फाउंड्रीज थी उस पर भी कब्जा कर लिया। हमारे बुजुर्गों की मेहनत, सरमायाकारी और जमा पूंजी एक लम्हे में खत्म कर दी गई। 1989 में हमारी फैक्ट्री का खाम माल लाने वाले बहरी जहाज को एक साल तक सामान उतारने की इजाजत नहीं दी गई। हमें 50 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पीपल्स पार्टी के दूसरे दौर में भी इत्तेफाक फाउंड्रीज की चिमनियां ठंडी कर दी गईं। और फिर 1999 का दौर आया, हमारे कारोबार को एक बार फिर तबाह कर दिया गया मुकम्मल तौर पे, और हमारे कारोबार को बिल्कुल स्ट्रैंगुलेट कर दिया गया, रोक दिया गया, ताले लगा दिए गए फैक्ट्रियों को। राइट हसन साहब, फैक्ट्रियों को ताले लग गए, चिमनियां ठंडी पड़ गई, कारोबार ठहर गया, रुक गया, तबाह हो गया। ये सारा कुछ देखने के बाद होना तो ये चाहिए था कि फिर शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ साहब हो या बाकी फैमिली, वो रायवन पैलेस में ना ठहर रही होती, बल्कि लाहौर में को 5 मरले का, को 250 या 300 गज का घर होता, उसमें ये ठहर रहे होते। बड़ी बड़ी कीमती करोड़ों रुपए की महंगी गाड़ियां ना होती, बल्कि को 800 सीसी की या 1000 सीसी की को 95-96 मॉडल की कोई कार होती। उसके अलावा जो बाकी तर्ज जिंदगी, इलाज के लिए बाहर जाना तो बहुत दूर की बात, लाहौर के किसी प्राइवेट अस्पताल से भी इलाज अफोर्ड ना होता। ये एक बात है कि जब हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं वो कुछ और कह रहा है, और कारोबार का अहवाल खुद मियां साहब की जबानी आपने सुना। देखें, इसमें जो बात आपने की है, अगर कोई बदअक्ल ना हो और बेअक्ल और बेजमीर ना हो तो उसके जहन में ये सवाल उठेंगे। लेकिन हम एक बात फर्ज कर लेते हैं कि ये बहुत मेहनती और बहुत खुशकिस्मत खानदान है। लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस जो आपने कहा, हालांकि कॉमन सेंस जहां होगी वहां ये कॉमन से सवाल हैं उठेंगे जो आपने उठाए। लेकिन ये एक इंतहाई बेसलेस, बेमानी, बोधी, बोगस तकरीर और लॉजिक है। मसलन अंग्रेजी का एक मुहावरा है, अगर इन्हें आती हो, व्हेन इट हैपेंस टू ऑल इट हैपेंस टू नन। हिरोशिमा नागासाकी पे जब एटम बॉम्ब गिरता है, टाउन आ गया, वायरस फैल गया, वो पूरी की पूरी आबादी साफ हो गई। होता रहा है तारीख में, सही, जब बीमारियों के इलाज नहीं थे। की कहानी इधर की शुरू कर दे उधर नहीं, जैसे इम्तिहानी पर्चा नहीं होता, बिल्कुल इस तरह करें, लिख के सवाल इन्हें देकर कहें जी कोई गुफ्तगू नहीं। राइट,
सर एक ब्रेक के जवाब दे दें, एक ब्रेक पे जाना, जो लिखा हुआ जवाब आए कौम के सामने रख दें और जो इररेलेवेंट लाइन है वो काट दें। ब्रेक से पहले मैं आपके कुछ कॉलमों का हवाला, सवाल का ये जवाब बनता है राइट, मैं आपके कॉलमों का हवाला देना चाहूंगा ब्रेक से पहले। आपने कुछ अरसा पहले कॉलमों की एक सीरीज लिखी थी करप्शन कहानी के उनवान से, चार पांच किस्तें थी उसकी, उसमें आपने रेमंड बेकर तो अपनी किताब में बहुत कुछ लिखा, जिसमें उसने फिर बाद में स्टार ने भी उसका हवाला दिया, नेस्कोल का, नीलसन का, शैमरॉक का, फिर शैंडन जर्सी प्राइवेट लिमिटेड का आपने भी अपने कॉलम्स में हवाला दिया। ये सारी बातें तो होती रही हैं हसन निसार साहब, कोई मानने को तैयार नहीं है। जी जी बिल्कुल ठीक है। अब मामला कहां से कहां पहुंच गया है, मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि भाई गोरा है वो, पाकिस्तानी को माशरा तो है नहीं, वहां जाओ उसको सू करो कि तुम एक मुल्क के वजीर आजम के बारे में इस तरह का बहतान लगा रहे हो, बकवास कर रहे हो, उससे क्या होगा कि तुम्हारी साख जो मजरूह हुई है वो भी बेहतर हो जाएगी और दूसरे यू विल बी एबल टू मेक अनदर फ्यू मिलियंस बल्कि ज्यादा, को अरजाना करते उसमें जाए को 100 मिलियन 500 मिलियन 1000 मिलियन पाउंड का या डॉलर का, लेकिन नहीं इनके कानों पे जू नहीं रहेंगी जैसे अब सही। अब भी सवालों के जवाब, मैं कहता हूं इनकी सारी कहानियां दुरुस्त हैं, ये रऊसाए आजम थे वो भी ठीक है, ये बड़े मेहनती लोग हैं बिल्कुल ठीक है, इन्होंने कोई भाई मनी नहीं की बिल्कुल ठीक है, इन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की बिल्कुल ठीक है, भाई सवालों के जवाब दे दो जिनके सबूत खरबों की प्रॉपर्टीज की शक्ल में बाहर खड़े हैं। आज तक इन्होंने ये नहीं बताया कि वहां पैसा कितना है, यानी कितनी मजे का खेस बात है। अब किस्सा कहानी सुना रहे थे एक, पता नहीं ये क्या तकरीर थी, दुबई में हो गया फिर जद्दे, भाई दुबई और जद्दे के लिए पैसा कहां से आया, सही। उस वक्त पाकिस्तान स्टेट बैंक के रूल्स क्या थे मुझे नहीं पता, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स क्या थे, दुबई में आपने काम कारोबार कैसे शुरू किया और दुबई के लिए सऊदी अरेबिया के लिए आप पैसा कैसे लेके गए, ये बेसिक सवाल है भाई। लेकिन प्रॉब्लम ये है जवाब हो, आप सादा तरीन सवाल मुझसे पूछे हैं, अगर मेरे पास जवाब ही नहीं है तो मैं क्या जवाब, बिल्कुल एक ब्रेक आपकी इजाजत से, कन्फेशन एक ब्रेक आपकी इजाजत से आते हैं। नवाज शरीफ साहब के जलसे भी जा रही हैं, इमरान खान साहब के जलसे जा रही हैं, दोनों एक दूसरे, इमरान खान साहब तो खुल के तनकीद कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जलसे के आगाज में कहते हैं कि जी मैं कोई सियासी तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन उनकी तकरीर का जो महवर है वो भी इमरान खान साहब होते हैं। एक ब्रेक पे वापस आ रहा हूं। ब्रेक के बाद वेलकम एक बार फिर, खुश आमदेद हसन निसार साहब ऑनरेबल हमारे साथ मौजूद है। पूरी दुनिया में सादगी की मिसालें जो हैं वो रकम की जा रही हैं, मजीद गवर्नेंस को, हुक्मरानी को और आसान करने की, सादा करने की कोशिश की जा रही है ताकि तायुशात कम हो सके। आपको मैक्सिकन एम्बेसडर है इंडिया में, उनका अगर आपको दिखाएं तो उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने अपने लिए एक रिक्शा तैयार करवाया है और वो ये समझती है कि चूंकि आलूदगी बहुत ज्यादा है भारत के अंदर और मैं सफीर हूं मैक्सिको की, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ये होना चाहिए कि मैं रिक्शे पे सफर करूं, और ये शायद दुनिया की पहली अपनी नौयत की सफीर होंगी कि जिन्होंने रिक्शा, एक सफीर ने जो एक पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उन्होंने अपने लिए मुंतखब किया, ये रिक्शा आप देख भी रहे हैं। दूसरी तरफ सूरत हाल जो पाकिस्तान के अंदर है वो ये है कि जलसों के ऊपर किस तरह से पैसा खर्च किया जा रहा है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और वहां पे जो हमें वीआईपी कल्चर नजर आता है, आज गिलगित बल्तिस्तान नवाज शरीफ साहब पहुंचे, तजारती मराकज बंद हो गए, तालीमी अदारे जो हैं वो बंद हो गए, वहां पे सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई, शहरी जो है वो रास्ता तलाश करते रहे। ये एक शहरी की गुफ्तगू आप सुनवाते हैं। एम्बुलेंसेज आके रस्ते में फंसी हुई है, लोग दर बदर हैं, हॉस्पिटल जाने नहीं दे रहे। राइट जी, ये आपने सुना। इसी तरह से जब हजारा गए नवाज शरीफ साहब तो हजारा यूनिवर्सिटी जो है उस वो बंद हो गई, फिर बन्नू का दौरा किया तो वहां पर भी तालीमी इदारों की बंदिश की खबरें आई। हसन निसार साहब, ये वीआईपी कल्चर, ये शो ऑफ कल्चर जो है ये जहर है किसी भी कौम के लिए। देखें भाई, मैं बन्नू वाले जलसे के बाद मैंने लिखा था कि जहां पहुंचेगी वहां स्कूल बंद होंगे, सीधा सा कॉमेंट है, जहां जहालत जाएगी जाहिर है
सबसे ज्यादा मुतासर तो स्कूल होंगे, बच्चे होंगे। और दुख की बात यह है, मुझे तो हैरत है अपने आप पे भी, अपने अवाम पे भी, पता नहीं क्या बेइज्जती आ रही है। वरना बंदा चीर फाड़ के रख दे, अवाम बाहर निकल आए और पता नहीं क्या कर दे खाने से, और कोई जान बचाने का निजाम नहीं। देखें यहां बात याद आती है ना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक इंसान का की मौत पूरी इंसानियत का कत्ल, ये कत्ल वाली बात है ना जी। अगर आपकी नेग्लिजेंस की वजह से वो बंदा मर जाता है तो वो तो कत्ल है, कि उसका कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अब ये मुद्दतें हुई, ये सारा फलसफा चला गया। मैं आपको बताता हूं, मैं एक दफा नॉर्वे से कील आई वॉज ट्रेवलिंग क्रूज पे, उसमें कुछ 6-7 हजार तो गाड़ियां ही थी उसमें, बाकी डिफरेंट उसकी पूरा शहर था वो। तो मैं रात को, वो स्मोकिंग का वहां जरा प्रॉब्लम था, तो मैं वो टॉप पे गया, उधर तो बैक पे मैंने देखा एक हेलीकॉप्टर खड़ा है। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा जो वहां के लोकल से, मैंने कहा यार ये हेलीकॉप्टर, उसने कहा जी के हॉस्पिटल अंदर मौजूद है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता को बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो जाए तो हेलीकॉप्टर पे डाल के, अगर कील के करीब होगा, जर्मनी का शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है, उधर ले जाया जाएगा पेशेंट को। अगर अभी वो सेंटर से दूसरी तरफ होगा तो वापस नॉर्वे। वाह क्या बात, वहां ह्यूमन लाइफ की इज्जत है, यहां तो ये टोटल ड्रामा A to Z टोटल झूठ पे चल रहा है सारा काम, इसीलिए अब चल नहीं रहा। एंड इट्स अ मैटर ऑफ अनदर आई थिंक 10 ईयर्स ये बिल्कुल जैम हो जाएगा सारा कुछ, ये एक इतनी भयानक बस्ती का रूप धार जाएगा। मैं तो कहता हूं, मेरे तो आज के कॉलम में सवाल है, और खुदा का खौफ करो, तुम्हें डर क्यों नहीं आता, लेकिन इनको डर क्यों आए, इन्होंने सारा कुछ समेट के बाहर ले गए हैं, औलादे पोते पड़पोते तो इनके, इनके मुल्क तो है ही कोई और, इन्हें इस बात का खौफ कैसे आएगा कि 10 साल बाद इस मुल्क की तुमसे 20 करोड़ मैनेज नहीं हो रहा, और 10 साल बाद ये कितना होगा, फिर लॉ एंड ऑर्डर कैसा होगा, हाउसिंग का हाल क्या होगा, एजुकेशन का हाल क्या होगा, वो दूर रहा सोच क्या होंगी, लॉन्ग साइटेड शहर के अंदर सॉइल वाटर में 4-6% आर्सेनिक बढ़ रहा है हर साल, ये सरकारी रिपोर्ट है, ये लाहौर शहर की बात कर रहा हूं मैं, कहीं और की नहीं। राइट, सो इट इज वेरी इजी टू विजुअलाइज के 10-15 ईयर्स इस मुल्क का हाल क्या होगा, ये तब माशाल्लाह इनका तो इशू ही कोई नहीं। राइट सर, एक ब्रेक, एक ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं। ऑनरेबल मुल्क के मुस्तकबिल पे एतमाद नहीं है। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आर्सेनिक की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद जो दारुल हुकूमत है उसमें साफ पानी की शॉर्टेज हो रही है। नहीं, हम अपने छोटे से दारुल हुकूमत को भी प्रोवाइड नहीं कर सकते पानी जो है, साफ पानी। अभी मैं आपको एक तरफ लैया की सूरत हाल है आप देख रहे हैं, मैं अगर आपको एक मार्स, एक कंपनी है चॉकलेट बनाने वाली, व्यूअर्स ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्स, इसके हजम का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि इसमें 16,000 मुलाजमीन काम करते हैं, $35 अरब इसकी सालाना आमदनी है, और 29 किस्म की चॉकलेट बनाती है ये कंपनी। इतनी बड़ी कंपनी को भी कानून के सामने किस तरह से सरनेगू होना पड़ता है। इसकी कुछ चॉकलेट्स में प्लास्टिक के कुछ जर्रात निकल आए, और मार्स को 55 ममालिक में से अपनी चॉकलेट जो है वो वापस मंगवाना पड़ी, 55 ममालिक में से, उसमें कुछ प्लास्टिक के जर्रात थे। यहां पे खाने के अंदर जहर हो, पानी के अंदर जहर हो, लेकिन कोई दूररस पॉलिसी हमें नजर नहीं आ रही है। एक ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम हज़रत निसार साहब। 2016 की एक रिपोर्ट सामने आई है पासपोर्ट्स के हवाले से, यानी दुनिया का बेहतरीन पासपोर्ट कौन सा है, पासपोर्ट इंडेक्स एक रैंकिंग करता है, वो मेरे सामने है। दुनिया के 199 ममालिक में से पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो 198वें नंबर पर है, हमसे नीचे सिर्फ अफगानिस्तान है, हत्ता के इराक, सोमालिया, इथोपिया और सूडान जो है वो भी हमसे बेहतर है। फिर टेलीग्राफ एक बरतानवी अखबार है, उसकी भी एक रैंकिंग है, उसमें जो है वो पाकिस्तान 104 ममालिक में से 103 नंबर पर है, यानी सिर्फ हमसे नीचे अफगानिस्तान है, सोमालिया, शाम और लीबिया जो है वो भी हमसे बेहतर है। फिर हैनले एंड पार्टनर्स की एक रैंकिंग सामने आई है, उसने भी 104 ममालिक में से पाकिस्तान को 103 नंबर पर रखा है, और रवांडा
यमन, चाड, मोजम्बीक और कांगो जो है वो भी हमसे आगे है। ये रैंकिंग पूरी दुनिया देख रही है, कहां खड़ा है पाकिस्तान हसन निसार साहब? नहीं, पहले तो मैं आपको आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने आदाद शुमार बड़े रेलेवेंट, ये जिनके जमीर जिंदा हों, जिनके जहन सोचने के काबिल हों, ये उनके लिए चार जुमले ये जो रैंकिंग आपने बताई है, खुद मेरे लिए मैं जानता हूं ये बहुत ही बदतरीन सूरत हाल से दो चार मुल्क है, लेकिन आपके चार फिगर्स ने ना एक दफा मुझे भी हिला के रख दिया है। देखिये वजह ये है, वजह है हुक्मरान, कोई और रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो महजब दुनिया है तो उसके पस मंजर में विजडम ने एक चीज इवॉल्व की कि व्हेन इट हैपेंस टू ऑल इट हैपेंस टू नन, उसका कोई मतलब नहीं होता। ढाका तो ये अकेले इनके साथ हुआ, फॉल ऑफ ढाका तो सबके लिए, फॉल ऑफ तो पूरी कौम के लिए हुआ, ये क्या रोना लेके बैठ जाते हैं, इनके पास सवालों के जवाब नहीं है। अब आए दूसरी तरफ नेशनलाइजेशन, वो भाई तुम्हें टारगेट किया था, सी क्लास किस्म की इंडस्ट्री जो है वो टेक ओवर कर ली गई थी, जिसमें जेनिक फैक्ट्रीज, हमारा पूरा खानदान एंटाए भुट्टो इस चक्कर में हुआ कि वो अब सी क्लास किस्म की भी वो इंडस्ट्री नहीं होती, फ्लोर मिल, आटे की मिल जिसे कहते हैं, ये कोई इंडस्ट्रियों में से इंडस्ट्री थोड़ी है, वो भी नहीं भुट्टो ने छोड़ी, वो तो एक पागलपन था, दुनिया दो हिस्सों में तकसीम थी, एक में ये फैशन बहुत मकबूल था, वो था नेशनलाइजेशन का। सो भुट्टो के जराइम में एक जुर्म नेशनलाइजेशन का डेफिनेटली है, बट ये तो ना 3 में ना 13 में, ये कोई दाऊद से, कोई सैगल से, वलीका से, भुट्टो के अयूब खान के जमाने से एक बात चली आ रही थी, 22 घराने। सर वो कदा गुलामी तो, की माजत, वो तो कहते हैं कि 1935 से हमारा कारोबार था और मुल्क की सबसे बड़ी स्टील मिल थी। भाई सुन लेना, मैं तो आपको वो तारीखी बात बता रहा हूं ना पूरी, कि इनका कोई दूर दूर तक वजूद नहीं था, ये बी क्लास किस्म के उस कारोबार के, उसमें बी क्लास में इंसान नहीं कह रहा, बी क्लास किस्म के कारोबारी थे, माइनस बी कह लें, बल्कि बी क्लास भी बेशुमार इनसे बहुत बड़े होंगे। जोनाथन जिसकी बात की है जहाज की, उसके बारे में जबान जदयान था इस मुल्क में कि स्क्रैप कह के उसके अंदर प्लांट आया था। तो ये इस तरह के किस्से कहानियां। अच्छा अब लेट्स अज्यूम कि ये सारा कुछ ठीक है। ओ भाई सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हसन साहब आपने मेरी जेब काटी है और माल मसरूका ये पड़ा है, तो मैं आपको कहूं कि मैं सन 1972 में बीमार हुआ था, मुझे बड़े टीके लगे थे, ये क्या जवाब है? ओ भाई नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दीज, ये अलमिया तरबिया कहानियों में दिलचस्पी नहीं है। कौन परेशान है, एक टेंशन है बच्चे बच्चे की जुबान पे, ये जितने अब 7 थे अब 70 हो गए हैं, वो 170 हो जाए भाई, उनमें से जो रेलेवेंट क्वेश्चन उनके जवाब दे दें। ये कहानी हम बड़े औलुल अज़्म थे, हम फलां थे, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान की सारी बरकतें आज से 35 साल पहले इकट्ठी होके जमा होके वो एक घराने में नहीं घुसी। इनके बाकी जितने भाई हैं, कजन्स हैं, मियां शरीफ मरहूम, उनके जितने बाकी भाई हैं उनके बच्चे भी माशाल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेल, आई नो अ फ्यू ऑफ देम, वो ठीक ठाक हैं, लेकिन इनका और उनका मुकाबला ही कोई नहीं। कमाल की बात है, उन्होंने सवाए कारोबार के किया कुछ नहीं, इन्होंने सवाए सियासत के किया कुछ नहीं। अच्छा सर एक जिम्मी सवाल, अब ये इतनी कहानियां सुनाते हैं, ये एक जिम्मी सवाल सर कि अगर ये भी पहले ये पॉलिटिक्स में आ गए थे जी, नहीं अगर मेरी गुजारिश सुन ले पहले जी सर, ये 80 से भी पहले तहरीक इस्तकलाल वगैरह में आ गए थे, उस वक्त इनकी उम्र क्या होगी? सही 30 साल की उम्र में इन्होंने कौन सी तोपें चलाई होंगी? बाकी खानदान की ग्रोथ नेचुरल है, जितनी किसी कारोबारी की, किसी मेहनती कारोबारी की जो नेचुरल ग्रोथ होती है, वो आलम चन्ना नहीं बन जाते, वो एक्सेप्शन होती है, उसमें गड़बड़ होती है कोई, तो टैक्स तो फिर नेचुरली ग्रोथ के मुताबिक हो रहा है ना सर? हाइट का मतलब है बंदा अब नॉर्मल है। सर टैक्स जो दिया मियां साहब ने 23 साल में को 3 करोड़ कुछ लाख रुपए, 23 साल का टैक्स है मियां साहब का,
तो ये नेशनल ग्रोथ के मुताबिक तो ठीक लग रहा है, पर इसमें लोगों को क्या मसला है? यार मैं बाकी वेल्थ की बात कर रहा हूं ना जी, जो इनकी जायदादें आज तक जो सामने आ गई हैं, जो ट्रेस हो गई हैं, उनका और इनके बाकी मामलात का तो आपस में कोई तनासुब बनता ही नहीं। सही, ये बिल्कुल इसी तरह है कि किसी का 10 लाख का प्राइज बॉन्ड निकले और उसके पास 10 अरब रुपया पाया जाए, ये इस तरह की बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि चलें इसको भी छोड़ देते हैं, हम गलत कह रहे हैं, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, मैं गलत जवाब दे रहा हूं, इसको साइड पे कर दें। भाई स्पेसिफिक सवाल हैं जो अपोजिशन कर रही है, उसके स्पेसिफिक जवाब दे दें, किस्सा कहानी नहीं, आए बाएं शाएं नहीं, सवाल गंदम जवाब चना नहीं, सारी रात रोंदी रही मरिया कोई भी नहीं, मतलब इस तरह की कहानी नहीं। लेट्स बी स्पेसिफिक। और ये बेवकूफी कर रहे हैं ऑपोजिशन, या जानबूझ के कर रही है माइनस इमरान खान, या वो चक्कर चला रहे हैं, या किसी वारदात में है। गुफ्तगू की जरूरत नहीं, गुफ्तगू में इधर उधर जाने का, तकरीरबाजी में इधर उधर जाने का, घूमने घुमाने का बहुत चांस होता है। सही, बंदा जो चाहे इधर उधर के, हमें खिलाफत राष्ट्रा की कहानियां सुनाते हो, कोई हया करो लोगो। ये महजब दुनिया जो गैर मुस्लिम दुनिया है अनफॉर्चुनेटली, वो खिलाफत राशिदा की तरफ जा रही है। जो आपने मिसाल दी है, अगर आप 1500 साल का गैप बीच में से निकाल दें तो आज कल जाहिर है किसी ने ऊंट पे तो नहीं जाना, सही, वो अपने लिए कोई रिक्शा ही बनाएगी। वो ये गैर मुस्लिम लेकिन महजब दुनिया उस तरफ जा रही है, हम उतना ही उनसे दूर हटते जा रहे हैं और उतनी ही बकवास किए जा रहे हैं। यानी वो जबाने जो उनका जिक्र करने के काबिल नहीं है, वो दिन रात। एक और प्रॉब्लम है कि वेस्ट की इलीट ने अब डिजाइनर्स ये वो छछोर पुना, ये शोध पुना बंद कर दिया, वहां लोग अब ब्रांड श्रांड की परवाह नहीं करते। आप देख लें जो नौ दालतिया जब घटिया, उसकी यही कोशिश होगी कि मैं कोई ब्रांडेड और ये और वो, ये ट्रेंड यहां बहुत है, ये छछोरपन ऊपर से आया है। खानदानी लोग वहां जो हैं वो भरे पुरे लोग हैं। अब मैंने चंद दो ढाई तीन साल पहले मैंने वो बिल गेट्स के बारे में, देयर वाज अ फोटोग्राफ आल्सो, येलोइश सी लग रही थी तस्वीर में, मुझे नहीं पता पोश उसके पास है 7 साल पुरानी, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं। इनको देखें आप, तो ये टोटल झूठ का कारोबार, ये बुनियादी तौर पर बाजीगर हैं। साल हा साल से मैं जनरली मैं बाबाए कौम मोहम्मद अली जिना के बाद मुझे यहां कोई ढंग का बंदा नजर नहीं आता। अगर कोई शुरू शुरू के कुछ 4 लोग थे, अगर वो चोर चकार नहीं थे तो देवर तो वैसे ही वो बेचारे इनकॉम्पिटेंट थे, उनके पल्ले ही कुछ नहीं था। जिना साहब की जिंदगी में कोई ड्रामा नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई लगी लिपटी नहीं है, कोई इप्स एंड बट्स नहीं है। वो रहते भी बड़े शानो शौकत से थे, सेल्फ मेड आदमी थे। एक माशाल्लाह ये सेल्फ मेड टकरे। मैं कहता हूं सब कुछ छोड़ दें, हम जो कर रहे हैं इस वक्त रतब याबस कर रहे हैं, असल बात ये है भाई चंद सवाल पूछे जा रहे हैं। तुम हर जगह तो क्यादत में आगे आगे रहना चाहते हो, सबसे बड़ी पार्टी का कायद और फलाना ढमकाना जो इनके वो कड़चे मरचे कहते हैं, बिल्कुल ठीक है जी, तो भाई यहां भी क्यादत फरमाओ ना। Right. अगर तुम कायद हो तो हर मामले में क्यादत करो। बिल्कुल सही, इधर इस कल्चर के खात्मे में नहीं कहते कि तुम इलाज यहाँ कराओ और इन भूखों की तरह मरो, सर हेल्थ सेक्टर की भी इनकी तरह खाओ, इनकी तरह रहो, इनकी तरह जियो, इनकी तरह मरो, हम ये नहीं ये कहते। लेकिन जो चंद इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनमें तो आप क्यादत फरमाए ना सर। हेल्थ सेक्टर की भी मिसाल दे दूं सर, अगर इमरान को ये घसीट रहे हैं, ये इतने बेहया हैं। इमरान की ऑफशोर कंपनी का इस किस्म की ऑफशोर, इस ऑफशोर कंपनी से कोई दूर पार का ताल्लुक नहीं, उसकी क्या उम्र होगी 82 में? ख्वाजा आसिफ ने तो मिस्मा कह दिया उनको, होल टाइम क्रिकेटर, वहां कमाया वहां रखा। अच्छा मैं कहता हूं कि ये आदमी इसको छोड़े जो कर देंगे, ये कॉमेडियंस हैं, इनका ज्यादा बेहतर मुस्तकबिल इंशाल्लाह कल कॉमेडी में होगा, स्टेज वगैरह पे काम किया करेंगे, जुकते शुकते मारा करेंगे। नहीं, मेरा देखें बेसिक सवाल है कि भाई आप एक काम और करते हैं, दोनों को बिल्कुल एक तरह ट्रीट करो, एक ही तरह के टीओआर हो, सही, एक ही तरह उनके साथ सलूक हो,
टाइमलाइन वही हो, नकारा कर दो। अगर दोनों मासूम हैं तो कौम जश्न मनाए कि जी हमारे दोनों लीडर बड़े पाक और साफ सुथरे निकले। सही, दोनों चोर हैं, दोनों को उल्टा लटकाओ, फांसियां दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल अमेंडमेंट करो। राइट सर, मैं करप्शन के लिए सजाए मौत। सर हेल्थ सेक्टर की जरा मैं बात करना चाहूंगा। अच्छा, सर लैया की दोनों चोर हैं, दोनों को फांसी दे दो। मैं जरा सर थोड़ा थोड़ा दोनों को दे दो। अगर इनमें से कोई एक चोर है दूसरा नहीं है तो इसके गले में हार डालो, उसके गले में फंदा डाल के फर्क करो, कौम को सुकून आए। राइट सर, मैं आपको जरा सेहत की सूरत हाल जो है वो बताना चाहूंगा। लैया में हसन निसार साहब 30 से जायद लोग जो हैं वो जहरीली मिठाई खाने से मर गया है। लैया में 30 से जायद लोग, और वहां पे अस्पतालों के अंदर वो स्टेट ऑफ द आर्ट इलाज की सहूलियात ही दस्तियाब नहीं थी कि इन बिचारों को वहां पे फौरी तौर पे शफा मिल सकती। मैं नॉर्वे की सर अगर आपके सामने मिसाल रखूं हसन निसार साहब, तो नॉर्वे में सर पिछले दिनों एक शख्स जो है उसको आर्जा कल्ब में वो मुब्तला हुआ, उसको फौरी तौर पर अस्पताल ले जाएगा, लेकिन अस्पताल में ECMO मशीन जो है शायद वो दस्तियाब नहीं थी। तो अस्पताल की इंतजामिया ने नॉर्वे की फजाइया से राबता किया कि हमें फौरी तौर पर ECMO मशीन पहुंचाई जाए, और फिर F-16 तैयारा जो है हसन निसार साहब नॉर्वे का, वो 10 घंटे की मुसाफत से ECMO मशीन लेकर सिर्फ एक मरीज की जान बचाने के लिए वो पहुंचा, और सिर्फ 40 मिनट के अंदर अंदर ये सर्विस फजाइया ने अस्पताल को प्रोवाइड कर दी। एक वो मुल्क है सर, और एक यहां पे के 30 लोग मर जाते हैं सिर्फ जहर जहरीली खुराक।